हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजो ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो नया डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चौरचन 2022, चौरचन की महत्वता, त्यौहार से जुड़ी हुई कथा, पूजा विधि। जिस समय गणेश चतुर्थी भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि मनाई जाती है, अर्थात उसी समय चौरचन भी मनाया जाता है। चौरचन के त्यौहार को चौठ चंद्र त्यौहार भी कहा जाता है। विशेष रूप से ये त्यौहार बिहार के मिथिला में मनाया जाता है। यहाँ पर पूरी धूमधाम से गणेश चतुर्थी के साथ साथ चौरचन का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस त्यौहार पर चंद्र देव की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि कहती है कि जो व्यक्ति इस दिन शाम के समय भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा करते हैं वे चंद्र दोष से मुक्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दौरान चंद्रमा को कलंक लगा था, इसीलिए इस दिन चंद्रमा को देखने की पूरी तरह से मना किया जाता है। माह के त्योहारों की तरह ये त्यौहार भी अलग अलग मान्यताओं से परिपूर्ण है। चौरचन की महत्वता। मिथिला एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रकृति से जुड़े हुए काफ़ी सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि सूर्यदेव की आराधना के लिए छठ पर्व मनाए जाते हैं, तो इसी तरह चंद्रमा चंद्रदेव की आराधना के लिए चौरचन का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की महत्वता इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति झूठे कलंक से बच जाता है। इसी दिन यदि चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाए तो चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। चौरचन त्यौहार से जुड़ी हुई कथा। एक दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूषक के साथ कैलाश का भ्रमण कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें चंद्रदेव के हंसने की आवाज़ आई। भगवान गणेश को उनके हंसने का कारण समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने चंद्रदेव से इसका कारण पूछा। चंद्रदेव ने कहा कि भगवान गणेश का विचित्र रूप देखकर उन्हें हंसी आ रही है, साथ ही उन्होंने अपने रूप की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मजाक उड़ाने की इस प्रवृत्ति को देखकर गणेश जी को काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया और कहा कि जिस रूप का उन्हें इतना अभिमान है वे रूप आज से कुरूप हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो चंद्रदेव को इस दिन देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। भले ही व्यक्ति का कोई अपराध ना भी हो, परंतु वे इस दिन चंद्रदेव को देख लेगा तो वे अपराधी ही कहलाएगा। ये बात सुनते ही चंद्रदेव का अभिमान खत्म हो गया और वे भगवान गणेश के सामने क्षमा मांगने लगे। भगवान गणेश को खुश करने के लिए भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की तथा उनके लिए व्रत रखा। भगवान गणेश के लिए चंद्रदेव को पश्चाताप करते हुए देखकर भगवान गणेश ने चंद्रदेव को माफ़ कर दिया और कहा कि वे अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, परंतु वे इसका असर कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि चंद्रदेव के झूठे आरोप से किसी व्यक्ति को बचना है तो उसे गणेश चतुर्थी के शाम को चंद्रमा की पूजा भी करनी है, इसी तरह वे कलंक से बच जाएगा। इस तरह करने से व्यक्ति के जीवन पर लगने वाला कलंक निष्कलंक हो जाएगा। उसी समय से गणेश चतुर्थी के दिन चौरचन भी मनाया जाता है। चौरचन 2022 पूजा विधि। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखते हैं। महिलाएं अपने पौत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर साफ किया जाता है। इसके बाद कच्चे चावल को पीसकर रंगोली तैयार की जाती है और इस रंगोली से आंगन को सजाया जाता है। इसके बाद केले के पत्ते की मदद से गोलाकार चांद बनाया जाता है। इस त्यौहार पर तरह तरह के मीठे पकवान जैसे कि खीर, मिठाई, गुजिया और फल आदि रखे जाते हैं। इस त्यौहार में दही का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। पूजा में दही का शामिल करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रोहिणी नक्षत्र सहित चतुर्थी में
चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद घर में जितने भी लोग हैं उतनी ही पकवानों से भरी डाली और दही के बर्तन में रखे जाते हैं। इसके बाद एक एक करके डाली, दही के बर्तन, केला, खीर आदि को हाथों में उठाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद मंत्र उच्चारण के साथ साथ चंद्रमा को ये सारे पकवान अर्पित किए जाते हैं। एक तरह से पूजा तथा अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं। भक्त अपना व्रत खोल लेते हैं। चौरचन पूजा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें, जिस दिन चौरचन का त्यौहार होता है उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठने के बाद नित्य क्रम क्रिया पूरा करने के बाद स्नान करना होता है। चौरचन की पूजा पूरी विधि से करनी चाहिए तथा फल की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक करने से ही भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। चौरचन के दिन दही का महत्व। चौरचन की पूजा के दौरान दही का काफ़ी महत्व है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के बर्तन में दही जमाया जाता है। कहते हैं कि इस तरह करने से दही का स्वाद बहुत ही खास हो जाता है। इसी दही को पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बांस के बर्तन में विशेष खीर तैयार की जाती है। जिसका भोग चंद्रदेव को लगाया जाता है। चौरचन तिथि 2022। चौरचन त्यौहार 31 अगस्त 2022 को बुधवार के दिन होगा। इसी दिन गणेश चतुर्थी भी होगी। बिहार के मिथिला में दोनों ही त्यौहार पूरी श्रद्धा से मनाए जाते हैं। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये चौरचन का वीडियो इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आपके एक लाइक एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।